हम लोग का अधिकार को हम लोग उड़ाव हैं बोल के दूसरा समाज ले जाते हैं। हम लोग को पता नहीं है, पता नहीं चलता है हम लोग को देहात में रह के। हम लोग सुन के हम लोग को लगता है कि हमारे समाज को काहे दूसरा ले जाएगा, हमारे समाज को हम ही लोग को दीजिए बोल के हम लोग आए हैं। पैसा देती है खाने के लिए देती है, पेट भरने से क्या होगा भैया? पढ़ने के लिए पैसा देने से होगा कहाँ? पढ़ाई होबे नहीं करेगा तो शिक्षा कहाँ मिलेगा? देहात में हम लोग अच्छा ढंग से पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, बच्चों सबको हम लोग परेशान हैं। उड़ाव समाज को मिशन में खींच खींच के ले जा रहा है। क्या आपके जंतर मंतर क्यों आए ये बताइए? दिल्ली का जंतर मंतर में इसलिए आए कि मांग को कोई मंजूर करके देगा। क्या मांग आप लोगों की? हमारे मांग है उड़ाव समाज की खाता खतियान से लेके हक अधिकार से लेके पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी आज हमारे उड़ाव समाज को नहीं मिलता है। तो हम एक मिनट बाबा आप इनको मत पकड़ो, आप सिर्फ बोलो। चलो हम उड़ाव समाज डोईसा नगर से लड़ाई होने के कारण से छोटा नागपुर झारखंड में आके बसे हुए हैं। तो झारखंड में बसने के बाद खेत खनियार बना के अभी बसे हुए हैं। उनको धीरे धीरे आज सरकार कहता है कि झारखंड में उड़ाव समाज नहीं है, उड़ाव समाज के साथ 34 समाज हमें रहे हैं। तो उड़ाव समाज सरना पूजा करता था पत्थरगढ़ी में करते करते। आप यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर क्यों आए ये बताइए? दिल्ली का जंतर मंतर में इसलिए आए कि मांग को कोई मंजूर करके देगा। क्या मांग आप लोगों की? हमारे मांग है उड़ाव समाज की खाता खतियान से लेके हक अधिकार से लेके पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी आज हमारे उड़ाव समाज को नहीं मिलता है। सरकार आपकी मदद नहीं करती है? झारखंड सरकार हमारे उड़ाव समाज को कोई नहीं कर रहा है, आज जर्नल समाज को कर रहा है, आदिवासी समाज को। हमारे उड़ाव समाज की कोई बात नहीं सुन रही है। आप लोगों की है? हमारे झारखंड में जनसंख्या बहुत सा है, आधे झारखंड का उड़ाव समाज को मिशन में खींच खींच के ले जा रहा है। क्या वो वहाँ के निवासी बोल रहे हैं? हाँ, वहाँ के हम निवासी हैं और वहाँ से कहता है कि हमारे समाज में नहीं आओगे, वो उड़ाव नहीं है, वो झंडा लगवा दिया चिरा झंडा है, विदेश का झंडा है। मैं मांग बताना कहानी नहीं सुन लिया। हाँ, हमारा चकला गांव है, कहाँ से आए? झारखंड से। क्या मांग है आपकी? हमको मांग है कि हम लोग को मांग इतनी है कि युवाओं को हम लोग को मांगना चाहते हैं कि हम लोग हक अधिकार मांगना चाहते हैं। कौन सा अधिकार चाहिए हम लोग को? खता खतियान से जो सामग्री होता है
उसको मांगते हैं। और किसी सरकार के पास पहले भी गए आप लोग? किसी सरकार से भी नहीं गए हैं। मांगा किसी से पहले? नहीं मांगे हैं। पहली बार मांगने आए? हाँ पहले बार मांगने आए हैं। नहीं मिलता है इसलिए आए। इधर आ जाओ, इधर आओ, बीच में दूर से देख रहा होगा। हम लोग का झर नाम क्या है? नाम मेरा चंद्रमुनि उराम उराइन, चंद्रमुनि उराइन है। हम लोग का बुजुर्ग पीढ़ी जो बना है वही लोग हम लोग को बताते हैं। हम लोग का मांग है कि खती खतियान हम लोग का बना हुआ है, इसी हम लोग का अधिकार को हम लोग उड़ाव हैं बोल के दूसरा समाज ले जाते हैं। हम लोग को पता नहीं चलता है। हम लोग को देहात में रह के हम लोग सुन के हम लोग को लगता है कि हमारे समाज को काहे दूसरा ले जाएगा, हमारे समाज को हम ही लोग दीजिए बोल के हम लोग आए हैं। अभी आप लोग करते क्या हैं? अब लोग हम लोग तो घर में थोड़ा बहुत जमीन है उसी में खेती बाड़ी करते हैं। जमीन मिली हुई है आप लोगों को? हाँ थोड़ा बहुत तो है खेती बाड़ी। और जमीन चाहिए काम करने के लिए? हाँ जमीन और चाहिए? नहीं जमीन नहीं चाहिए। हम लोग कितना मेहनत से कितना तकलीफ से बच्चा सबको पढ़ाते लिखाते हैं, बच्चा सबका कोई नौकरी चाकरी नहीं है, कितना मुश्किल से हम लोग काम को छोड़ के स्कूल भेजते हैं। स्कूल देहात में हम लोग अच्छा ढंग से पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, बच्चों सबको हम लोग परेशान हैं। सरकार सुविधा नहीं दे रही आप लोगों को? सुविधा दे रही है लेकिन देखभाल नहीं कर रही है। वही तो मास्टर का कमी रहता है, पढ़ाई का कमी रहता है, पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं हो पाती है, इसीलिए हम लोग का बच्चा सब आगे बढ़ नहीं सक रहे हैं। यानी कि आरक्षण चाहिए आपको भी? आरक्षण चाहिए आप लोगों को अपनी जातियों के लिए? हाँ जी हाँ। आपके एजुकेशन नहीं है? स्कूल नहीं है? स्कूल सरकारी छोटा मोटा है तो बोल रहे हैं पढ़ाई मास्टर का कमी हो जाता है, पढ़ाई अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पाते हैं, हम लोग का बच्चा सब अच्छा ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं, और पढ़ पाते हैं फिर भी सरकार तो काफी मदद कर रही है बच्चों के लिए हमारे स्कूल झारखंड के अंदर। बस पैसा देती है खाने के लिए देती है, पेट भरने से क्या होगा भैया? पढ़ने के लिए नहीं देती? पढ़ने के लिए पैसा देने से होगा कहाँ, पढ़ाई होबे नहीं करेगा तो शिक्षा कहाँ मिलेगा?